We are live. Hi everyone. Hello and welcome to Amul Facebook Live. I welcome you all to the world's largest live recipe show and proud to be a part of it. And my name is Heena and today we are making paneer tikka wraps and cold coffee. Let's start making. And hello and welcome everyone who all have joined. Okay. Let's start. For पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले we'll marinate the पनीर. ये पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया एंड यहाँ मैंने अमूल पनीर यूज़ करा है और इसको हम एक बोल में डाल के सबसे पहले हम इसको सॉल्ट से सीजन करेंगे. यहाँ मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है, उसको हम सॉल्ट से सीजन कर लेंगे. साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट के रखी हैं लाइक बेल पेपर्स, येलो, रेड एंड ग्रीन एंड सम क्यूब्स ऑफ अनियन. इसको भी हम साथ में ही डाल देंगे. आपको जितना क्वांटिटी बनाना है आप उतना मैरिनेट कर सकते हैं. यहाँ मैंने इसको सॉल्ट से सीजन कर लिया सबसे पहले. उसके बाद हम बनाएंगे कर्ड में मैरिनेट. यहाँ मैंने अमूल कर्ड लिया है. इसमें ऐड करूँगी मैं गार्लिक, मैं ऐड करूँगी 6 cloves ऑफ गार्लिक, 1 inch पीस ऑफ जिंजर और इसमें ऐड करूँगी मैं 2-3 ग्रीन चिलीज अकॉर्डिंग टू टेस्ट. और इसी मिक्सर जार में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा टर्मरिक, थोड़ा सा देगी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ तंदूरी मसाला. ये आपको रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है. और इस मैरिनेट में भी हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट. अगर आपके पास रेडी पनीर टिक्का पड़ा है तो हम उससे भी रैप्स बना सकते हैं. लाइक मिडनाइट में क्रेविंग्स होती है कुछ खाने की तो वी कैन. इसका देखता है जस्ट अ मिनट. अब हम मिक्सर जार को क्लोज कर देंगे और हम इस मैरिनेट को बनाएंगे. यहाँ ये मैरिनेट मैंने प्रिपेयर कर लिया. अब मैं जो पनीर टिक्का है इसके ऊपर इसको डाल दूँगी. और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम रखेंगे गुड 2 to 4 आवर्स के लिए. हम इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए. बट लाइव में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता तो मैं इसको बना दूँगी. तो ये हमारा मैरिनेट हो गया पनीर टिक्का का. सो यहाँ मैंने पैन को गरम करने रख दिया. ये स्क्यूअर्स लिया और इसको हम डालेंगे स्टिक्स में. एक एक करके हम डाल देंगे. पहले हमें हार्ड वेजिटेबल्स डालनी है, उसके बाद हम डालेंगे पनीर, देन अगेन सम वेजिटेबल्स अकॉर्डिंगली एंड देन पनीर. इस तरीके से हमें सारे स्क्यूअर्स रेडी कर लेने हैं. ये मैंने रेडी कर लिया. साथ साथ मैं इसको पैन में भी डाल दूँगी. लेकिन आपको पहले इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। तो मैंने यहाँ पर डाला है अमूल घी और अमूल बटर। हम अपने ग्रिल पैन में डाल लेंगे इसको। बहुत ही फटाफट बन जाता है ये, बस आपको थोड़ा सा प्रेप करना होता है। तो अब यहाँ गर्म हो गया है और मैं इसको रख दूँगी यहाँ पर ग्रिल होने। अगर हम इसको थोड़ी देर रखेंगे ना तो अंदर फ्लेवर बहुत अच्छे चले जाएंगे, तो इसलिए 1-2 घंटा पहले हमें इसको रैप करके रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, ऑल हैव जॉइन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हाय गुरप्रीत, हाय लादी, हाय हनुमान, हाय राजन। और इसको हम रोटेट करेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें जितने भी हमारे स्क्वायर्स हैं हम इसको रेडी कर देंगे, जितने भी हमें बनाने हैं। ठीक है, just keep it aside. यहाँ मैंने 2 स्टिक्स रेडी कर लिया है। इसको रोटेट करेंगे हम। और यहाँ मैंने टॉर्टिला रैप्स किए हैं, इन रैप्स को बनाने के लिए। ये आपको रेडीमेड भी मिल जाते हैं और आप इसको घर में भी बना सकते हैं। आज मैं यहाँ रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें क्विक बनाना है। हमें इसको चारों साइड से अच्छी तरह रोटेट कर करके इसको रोल कर लेना है। ओके, हाय ध्वनि। इसमें पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने पहले कर्ड में मैंने पनीर और वेजिटेबल्स को सॉल्ट से सीजन कर लिया। उसके बाद मैंने कर्ड में जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली, रेड चिली, गरम मसाला, तंदूरी मसाला एंड टर्मरिक डाला है और उसको मैंने इकट्ठा ब्लेंड कर लिया कर्ड के साथ। अब यहाँ हमारे टिक्का रेडी हो रहे हैं। आप इसको सिम पे साइड करके रख दें तो ये अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। उसके बाद हम इस टिक्का में ग्रीन चटनी, एक्चुअली अभी समर्स आ गए हैं तो हमें सब फ्रिज में रखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने ग्रीन चटनी बनाई है। नॉर्मली आप जो ग्रीन चटनी बनाते हैं घर में, हम क्या करेंगे रैप्स के ऊपर हम ये चटनी डालेंगे और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये पनीर टिक्का का स्टिक। एंड स्प्रिंकल सम चाट मसाला, और हम इसको करेंगे रैप। और इसी स्क्वेयर से जिसमें से हमने निकाला है इसी को हम रख के इसको पैन पे ग्रिल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे। और ये देखेंगे आप, बहुत ही जल्दी हमारा ये पनीर टिक्का रैप रेडी हो गया। ये स्टिक भी हम ले लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे अपनी प्लेट में। ये हमारी सर्विंग प्लेट है। इसी के साथ हम रखेंगे एक स्टिक पनीर टिक्का एंड सम ग्रीन चटनी। तो आप ये देखेंगे कितनी फास्ट हमारा पनीर टिक्का रैप रेडी हो गया है। Today we have made पनीर टिक्का रैप। अब मैं बनाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ यूज़ करा है अमूल मिल्क। एक्चुअली मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रिज में हैं और वो चिल, जब हमें कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए ना सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल चिल चाहिए, लाइक मिल्क एंड वी आर यूजिंग क्रीम, वी आर यूजिंग विप क्रीम। मैं बिल्कुल कैफे स्टाइल में कोल्ड कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैंने ये अमूल गोल्ड मिल्क को बिल्कुल फ्रीज़र में रख के चिल कर लिया है। हमें इसको बनाने के लिए बिल्कुल चिल्ड मिल्क चाहिए। जस्ट कट दिस। यहाँ मैंने एक जार में मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। यहाँ मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी, 1 स्पून ऑफ कॉफ़ी। छोटा स्पून है तो मैं 1.5 डाल रही हूँ। एंड उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना स्वीटनेस आपको चाहिए। मैं यहाँ पे 2 स्पून डाल रही हूँ। और इसमें ऐड करेंगे हम अमूल क्रीम, अमूल आइसक्रीम। मैं इसमें ऐड करूँगी अमूल आइसक्रीम। 2 स्कूप्स हमने इसमें अमूल आइसक्रीम डालना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ही क्रीमी और रिच कॉफ़ी बनेगी। विल जस्ट कवर दिस एंड कीप इट असाइड। और ये मेरे पास अमूल क्रीम है जिसको मैंने पहले से विप करके रखा हुआ है। मैं इसको एक बार और विप करूँगी। जस्ट अ मिनट, गो देयर। विप करके पहले से ही रखा हुआ है। इसमें मैंने पाउडर्ड शुगर डाला है और वेनिला एसेंस डाला है अमूल व्हिपिंग क्रीम में। सो नाउ अब हम इस व्हिपिंग क्रीम को एक जार में भरेंगे, पाइपिंग बैग में भरेंगे। यहाँ मैंने पाइपिंग बैग रेडी करा हुआ है, तो ये जो क्रीम है इसको हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। और इस कॉफ़ी को भी हम ब्लेंड करेंगे। बहुत ही फ्रॉथी हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है। So we'll pour it in a glass. ऊपर मैं ऐड करूंगी व्हिपिंग क्रीम। और इसको गार्निश करूंगी मैं अमूल के ये आमंड चॉकलेट होते हैं, इससे हम इसको गार्निश करेंगे। We are done with paneer tikka wraps and cold coffee. And thank you everyone for joining. Follow me on Instagram. My Insta page is Heena Valecha. My Facebook page is Heena Valecha. And hi everyone who all have joined. Hi Dhwani. Hi Jasleen. And thank you and good night. Bye bye.